नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल का जाना माना बस स्टैंड के पास यहां पर स्थित आप देख सकते हैं गुड होप्स डायग्नोस्टिक सेंटर है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अल्ट्रासाउंड भी यहां पर किया जाता है। लेकिन एक बहुत ही बड़ी खबर आज निकल कर ये सामने आती है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम जब यहां पर पहुंचती है तो क्या कुछ मिलता है। मिलने के अलावा दो आरोपियों को, कैथल के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार क्यों किया जाता है, यहाँ पर क्यों लेकर आया जाता है, क्योंकि उनकी सेटिंग होती है, डील होती है 40,000 रुपए में लिंग जांच करने की डील होती है कि बताया जाता है जो गर्भवती महिला है उसके गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है, ये बताया जाता है। जिसके बाद आप देख सकते हैं कैथल के दो आरोपी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, जिनसे हमने पहले भी बातचीत की, हालांकि वो इस बात से साफ इनकार करते हुए दिखाई दिए कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता कि पुलिस हमें यहाँ पर क्यों पकड़ कर लेकर आई है, क्यों हमें यहाँ पर बिठा लिया गया है। लेकिन पूरा का पूरे मामले का भंडाफोड़ हो चुका है, एक बड़े नेक्सस का भंडाफोड़ हुआ है। लेकिन ये नेक्सस क्या सिर्फ इसी सेंटर से चल रहा था, यहीं से चल रहा था, या फिर किसी और की भी सांठगांठ थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर स्वास्थ्य विभाग की टीमों को ये सब कैसे पता चलता है। ये सब पता चलता है इन्फॉर्मर्स के थ्रू। अगर आप भी अपने शहर में, अपने गाँव में, अगर आपको भी पता है कि कोई भी, चाहे कोई झोला छाप डॉक्टर हो या फिर बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, अगर इस तरीके का नेक्सस चला रहे, अगर इस तरीके का गैर कानूनी काम कर रहे, तो आप भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मिल सकते हैं। उनके अधिकारियों से मिलकर आप इस बात की शिकायत कर सकते हैं कि हम आपको जानकारी देंगे, हम आगे आकर आपको जानकारी देंगे, जिसको लेकर सरकार शाबाशी के तौर पर एक इनाम राशि भी उन लोगों को देती है, उन इन्फॉर्मर्स को देती है जो इस तरीके का भंडाफोड़ करते हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। बस में बैठकर तो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, आप देख सकते हैं रितु महला यहाँ पर पहुंची हैं और दवाइयों का बैग आप देख पा रहे होंगे, दवाइयों का बैग जो दोनों आरोपियों से बरामद किया गया, उनकी तलाशी लेते हुए और उनको चेक करते हुए, उनकी चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। क्योंकि लिंग जांच का मामला था तो पहले ऐसे अनुमान लगाया जा रहा था कि जो दवाइयाँ होंगी वो शायद गर्भवती महिलाओं को देने के लिए या फिर महिलाओं से संबंधित कोई दवाई हो सकती है। लेकिन जो बाद में जानकारी निकल कर सामने आती है कि शायद ये नींद की गोलियाँ हैं। लेकिन अब ड्रग इंस्पेक्टर रितु महला यहाँ पर पहुँची हैं तो वो ज़्यादा विस्तारपूर्वक बता पाएंगे कि आखिर ये कौन सी दवाई है, इन दवाइयों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता था और आखिर ये दवाइयां इन दोनों आरोपियों के पास क्यों थी और ये दोनों आरोपी इन दवाइयों का क्या करते थे, क्या ये कहीं इन दोनों आरोपी क्या ये कहीं इस पूरे बैग में जितनी भी दवाइयां हैं इनको कहीं सप्लाई करने वाले थे, ये नेक्सस कहां से लेकर कहां तक जुड़ा हुआ है, तार कहां से कहां तक जुड़े हुए हैं, ये देखने वाली बात होगी। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। एक बैग है, काले कलर का एक बैग है, जो बैग पूरा दवाइयों से भरा हुआ है, मिलती जुलती सभी दवाइयां हैं और आप देख सकते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर यहां पर पहुंच चुके हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीरें हरियाणा के करनाल से गुड होम्स डायग्नोस्टिक सेंटर, जहां पर एक बड़ा मामला देखने को मिला। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ जरूर शेयर करें। अपने आप में एक बेहद बड़ा गैर कानूनी काम ये है कि अगर किसी भी सेंटर में, किसी भी हॉस्पिटल में अगर बड़े स्तर पर इस तरीके का गैर कानूनी काम हो रहा है, लिंग जांच हो रही है, महिलाओं को फंसाया जा रहा है, उनसे पैसे जा रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी सेंटर सीधे तौर पर किसी भी महिला से बात नहीं करता, परिवार से सीधे तौर पर बात नहीं करता, बीच में काम करते हैं दलाल। अब वो दलाल अच्छी खासी एक अमाउंट मांगते हैं, जैसे कि यहाँ पर 40,000 रुपए में पूरी की पूरी डील होती है। अब 40,000 रुपए में उन दलालों का क्या कमीशन होता है, सेंटर का क्या कमीशन होता है, ये सारी बातें देखने वाली होंगी कि आखिर ये पूरा नेक्सस कहाँ से कहाँ चलता है, इसके तार कहाँ से कहाँ तक जुड़े हुए। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ जरूर शेयर करें। क्या मैम ये दवाइयाँ किस चीज की है मैम, ये बैग है, ये मैम मैम से एक बार पूरी जानकारी ले रहे थे पहले, एक बार देखने
के बाद, जांच करने के बाद ही आपको बताया जाएगा। प्राथमिक तौर पे मैम क्या लग रहा है, किस चीज की दवाइयां है ये? ये नशे के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एल्प्रेक्स है, जो कि स्लीपिंग पिल है। इससे पूछताछ की जाएगी कि इसके पास बिल है या वो किस तरीके से इसको यूज कर रहा है। फिर भी भारी मात्रा में है, चाहे बिल हो फिर भी काफी कुछ नहीं। अगर उसके पास इसका सेल परचेज रिकॉर्ड है तो इसको रखना लीगल, बिल्कुल लीगल है। इसके पास को लाइसेंस हो इसको रखने का, इसको सेल परचेज रिकॉर्ड इसके पास होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, तब ये वैलिड है। डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? वो जो पार्ट है वो मैडम आपको बता पाएंगे कि ये क्या है। कौन सी जगह पहुंची है आज मैम, कौन सी जगह है ये जहाँ पर आप पहुंची? गुड होप्स। मैम इन दवाइयों का गर्भवती महिलाओं से कोई संबंध है? नहीं, इनका कोई संबंध गर्भवती महिलाओं से नहीं है। जो भी मामला है एक बार जांच के बाद आपको बताया जाएगा। मैम ये कौन सी दवाइयाँ हैं? ये स्लीपिंग पिल्स हैं जी, जो नशे के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। मैम इन्फॉर्मर से हमें एक जानकारी मिली है, एक मिनट, जो बड़े सवाल खड़े करती है कि डाटा जाता है, दलालों के पास डाटा जाता है जिन महिलाओं का अल्ट्रासाउंड होता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? बारे में डॉक्टर शीनू चौधरी और डॉक्टर संदीप अग्रवाल आपको बताएंगे। तो डॉक्टर शीनू चौधरी इस बारे में जानकारी देंगे कि आखिर दलालों के पास पूरा डाटा कहाँ जाता है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें आप देख सकते हैं पूरा रिकॉर्ड बनाती हुई, रिकॉर्ड मेंटेन करती हुई, और हर एक चीज खंगाली जाएगी कि आखिर डाटा कैसे दलालों के पास पहुंचता था। मेरे आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। और आप देख सकते हैं एक बड़ा बैग इन दो आरोपियों से बरामद किया जाता है, जिसमें स्लीपिंग पिल्स है, नींद की जिन्हें गोलियां कहा जाता है। ये बैग आपका था, अब तो आप बता दीजिए किनका ये बैग था? मेरा नहीं था, मुझे नहीं पता। ये कहाँ लेकर जा रहे थे? मैंने कभी, मुझे नहीं पता ना, ना मेरा था, मुझे नहीं पता। 15,000 आपकी जेब से मिले थे? नहीं, 15 भी नहीं मिले हैं, नहीं मिले, नहीं, 14,000 रुपए मिले हैं मेरी जेब से मिले। कहाँ से आए वो? हो गया था, किसने दिए? किसी से मैंने पैसे लेने थे तो उसने मेरे को चक्कर में फंसा दिया। किस बात के पैसे लेने थे? वो मेरे से उधार लेके गया था। उधार क्यों लेके जाएगा कोई आपसे, क्योंकि यहाँ तो मामला ही लिंग जांच का नहीं, ये लिंग जांच का है ही नहीं। उसको बताओ हमारे पास क्या, हमने क्या उसको बताया है? आप उसे पूछो भाई, हमने क्या इस लैब से आपकी कब से सांठगांठ है? कभी कितना कमीशन आपका रहता है, कितना कमीशन लैब का रहता है, अस्पताल का कितना? हमारे पास नहीं आया कोई, बिल्कुल नहीं आया, नहीं होता। ये बताओ आप, हमने उसको क्या बताया है, हमारे पास क्या सबूत है जो हमने उसको बताया? सिर्फ पैसे मिले हैं, आपको ऑनलाइन पेमेंट की गई है 25,000। तो फिर मैंने किस चीज की गई आपको पेमेंट? वो किसी चीज की नहीं थी, मैंने उसने मेरे से उधार लिए हुए थे तो उन्होंने, मेरे को नहीं पता जी, दवाइयों के बारे में मुझे नहीं पता। सप्लाई करनी होती थी दवाइयां? नहीं मिला मेरे से, बैग किससे बरामद हुआ मुझे नहीं पता जी, किससे मिला। आरोपी कुछ भी कहने से साफ तौर पर इनकार करते हुए, इन्फॉर्मर से हमारी बात हुई है, हालांकि इन्फॉर्मर का चेहरा हम आपको अब नहीं दिखा सकते, ना ही ये बता सकते कि क्या पूरी बात थी। लेकिन अब मैं आपको पूरा घटनाक्रम एक बार बता देती हूँ कि आखिर कैसे, जो इन्फॉर्मर ने जानकारी दी है, इन्फॉर्मर ने हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने हमें ये जानकारी दी है कि आखिर कैसे इन दलालों के पास, इन एजेंट के पास नंबर जाते हैं। जिस डिकॉय को इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग ने हायर किया, यहाँ पर लगाया ताकि एक बड़ी कार्रवाई को अमल में लाया जाए, उस डिकॉय की बताया जा रहा है कि पहले दो बच्चियाँ थी ऑलरेडी, दो बेटियों की वो माँ थी, तीसरी बार वो गर्भवती थी, और ऐसे में इसी सेंटर पर वो डिकॉय पहले भी अक्सर और इसी लैब में, इसी सेंटर पर वो अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आती थी, जिससे पहले पूछा जाता था कि आपके पहले कितने बच्चे हैं, लड़का है या लड़की है, और ये अंदाजा लगा लिया जाता था कि जिसकी पहले से ही दो बेटियां हो वो नहीं चाहता होगा कि मेरी तीसरी भी बेटी हो जाए। अमूमन ऐसा ही हर केस में देखा जाता है। ऐसे में अब यहाँ से दलालों के पास नंबर कैसे जाते थे वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एजेंट्स के पास नंबर कैसे जाते थे, क्योंकि यहाँ पर जो बात निकल कर सामने आई है, जो इन्फॉर्मर्स ने हमें जानकारी दी है, वो ये दी है कि फैमिली से इन एजेंटों ने खुद फोन कॉल पर बात की, खुद संपर्क साधा,
कि अगर आपकी पहले दो बच्चियां हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, और फिर आप अगर उसको साफ करवाना चाहे तो आप करवा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी सेंटर के बाहर, गुड होप डायग्नोस्टिक सेंटर के बाहर साफ तौर पर लिखा है कि लिंग जांच गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी 5 साल की सजा भी लिखी हुई है, 10,000 रुपये का जुर्माना भी लिखा हुआ है। और ऐसे में आप देख सकते हैं 5 साल की सजा व 1,00,000 रुपये जुर्माना होगा। PNDT एक्ट के तहत ये पूरी की पूरी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन न जाने क्यों फिर भी बड़े बड़े अस्पतालों का नाम फिर से सामने आ जाता है, ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर्स का नाम सामने आ जाता है जहाँ पर दलाल हायर किए जाते हैं। क्योंकि ये तो साफ सीधी सी बात है, साफ तौर पर यही देखा जाता है हर बार कि हॉस्पिटल से कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेंबर सीधे तौर पर किसी फैमिली से संपर्क नहीं साधेगा, बीच में एजेंट बिठाए जाते हैं, वो एजेंट फैमिली से बात करते हैं। और यहाँ से एक बात और है कि कमीशन ज़रूर इन लोगों को भी जाता है, क्योंकि बीच में सारा काम दलाल ही नहीं करते। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।